इंडियन आइडल शो को लेकर कई सारे खुलासे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस शो में टीआरपी के लिए बहुत फेक कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है। संतोष आनंद को बुलाया गया, जो कि आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं, जो कि इंडस्ट्री के बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, आज भी कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेकर वो अपना घर चला रहे हैं, लेकिन इंडियन आइडल की टीम ने इन्हें एक मजबूर इंसान बताकर इन्हें पैसा डोनेट किया। एक और कंटेस्टेंट सयाली, जिसको गरीब बताया गया कि वो चौल में रहती है, उसके घर में टीवी भी नहीं है। उसके तुरंत बाद सयाली भगत की एक पुरानी वीडियो सामने आती है, जिसमें वो सुरेश वाडकर जैसे सिंगर के साथ स्टेज शेयर करती हुई नजर आई। और अब इंडियन आइडल को लेकर एक ऐसा खुलासा मैं आपको करने जा रही हूँ, जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे और ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या वाकई में इंडियन आइडल जो दावा करता है कि आम लोगों को या अपकमिंग टैलेंट को वो प्लेटफॉर्म देता है, उन्हें पहचान दिलवाता है, उन्हें काम दिलवाता है, या फिर इंडियन आइडल ऑलरेडी ब्रश्ड टैलेंटेड सिंगर्स जो दूसरे रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके हैं, उन सिंगर्स को ही उठाता है और उन्हें नए टैलेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करके उनकी गरीबी बताकर अपने शो की टीआरपीस बटोरने की कोशिश करता है। ये पूरा एक रिसर्च्ड आर्टिकल हमें शेयर किया है अरुण कुलश्रेष्ठ ने। अरुण कुलश्रेष्ठ जो बॉलीवुड ठिकाना के एक वैल्यूएबल व्यूअर हैं, उन्होंने मेल के थ्रू ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर की है, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। वेल, इस साल के इंडियन आइडल को लेकर तो एक दो फेक कंटेस्टेंट ही सामने आए हैं, लेकिन 2018 के इंडियन आइडल की बात की जाए तो उसके सारे कंटेस्टेंट जो थे वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर थे। ये वो लोग थे जो ऑलरेडी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करके ही इंडियन आइडल में आए थे, और इसमें से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो थे वो सारे गामा पा शो में हिस्सा लेकर इंडियन आइडल में आए थे। जैसे कि 2018 में विभोर पराशर करके एक कंटेस्टेंट था। विभोर पराशर 2008 के सारेगामा पा के लिटिल चैंप्स का हिस्सा था, और 2018 में उसी विभोर पराशर ने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। विभोर पराशर ना सिर्फ इन रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुका है, बल्कि एक स्टैब्लिश्ड सिंगर है, कई सारे शोज और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है इंडियन आइडल में आने से पहले, ना कि आने के बाद। आने के बाद तो वो और ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन इंडियन आइडल से पहले भी वो एक स्टैब्लिश्ड सिंगर था। दूसरा कॉन्टेस्टेंट 2018 में था कुणाल पंडित। कुणाल पंडित वो शख्स है जो 2012 में सारेगामा पा में नजर आया, और कुछ ही सालों में फिर से इंडियन आइडल वालों ने कुणाल को एक नया कॉन्टेस्टेंट बताकर हमारे सामने पेश किया। इसी तरह से रेनु नागर, जिसकी बाद में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो भी सारेगामा पा का हिस्सा रह चुकी थी 2012 में और 2018 के इंडियन आइडल में नजर आई थी। और तो और, इंडियन आइडल 2018 का जो विनर है सलमान अली, वो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स का हिस्सा रह चुका है। एक और कंटेस्टेंट थी नीलांजना रे, जो इंडियन आइडल 2018 में नजर आई थी। वो 2016 में वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 2 का हिस्सा बनी थी। इनफैक्ट पेपॉन की जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि पेपॉन ने एक कंटेस्टेंट को किस कर दिया था, जिसके बाद पेपॉन के खिलाफ महिला आयोग ने केस किया था, ये वही कंटेस्टेंट थी, और इसके कारण पेपॉन को शो से हटाया भी गया था। 2018 का कंटेस्टेंट अंकुश भारद्वाज, वो बिग गोल्डन वॉइस का हिस्सा रह चुका था। सेम ईयर अवंती पाटिल करके भी एक कंटेस्टेंट थी, जो कि सारेगामा पा लिटिल चैंप्स कर चुकी थी पहले। सौरभ वाल्मीकि करके एक कंटेस्टेंट था, जिसका भाई सचिन वाल्मीकि 2016 के सारेगामा पा का रनर अप रह चुका था, और नितिन कुमार भी सारेगामा पा में नजर आ चुका था। एक और कंटेस्टेंट 2018 में था सौम्य चक्रवर्ती, जो कि जी बांग्ला पर सारेगामा पा का विनर रह चुका था 2015 में, और उसके बाद 2018 में इंडियन आइडल वालों ने उसे नए कंटेस्टेंट के रूप में पेश किया था। तो कुछ इस तरह से ये पूरी लिस्ट है इंडियन आइडल की 2018 के कंटेस्टेंट की, जो इंडियन आइडल 2018 में पार्टिसिपेट करने से पहले ऑलरेडी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सिंगिंग रियलिटी शोज का हिस्सा बन चुके थे। तो फिर इस शो का क्या, जो ये दावा करता है कि नए टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और किस हिसाब से फिर ऑडिशंस लिए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने शो में प्रोफेशनल सिंगर्स को कास्ट कर रहे हैं जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बन चुके हैं और इवेंट और शोज करते आए हैं। ऐसे में क्या ये ऑडिशंस वाली सारी चीजें एक नाटक है, एक ड्रामा है, सिर्फ टीआरपी के लिए है, या फिर अपने झूठ को ढकने के लिए एक ट्रिक है?
ये बातें खुलकर अब इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अब जनता ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक अलग नजर से देखना शुरू किया है, और जब से इस एंगल से सोचना शुरू किया है तो कई सारे काले चेहरे इस इंडस्ट्री के खुलकर सामने आए हैं, जिसमें से ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरह से रियलिटी शोज जो दावा करते हैं नए सिंगर्स को चांस देने का, वो अपने शो को चलाने के लिए प्रोफेशनल सिंगर्स को ही उठाकर नया टैलेंट बताते हैं।